हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास नाइन्थ से भी रिलेटिव है, तो इसे मिस मत करिएगा और छोटा सा वीडियो होने वाला है। सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। आज मैंने दो प्रश्न लिया है और दिया है निम्नलिखित को सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो जो पहला प्रश्न दिया है 2x + 5 का होल स्क्वायर, ये प्रश्न हमें लगाना है सूत्र द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ ऐसे लिखिए, माना 2x = a और 5 = b, ठीक है ना। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसको उठाकर इसी पर रख दीजिए। सो अब 2x की जगह पर a हो गया प्लस 5 की जगह पर b हो गया। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इतना बराबर होता है सूत्र a स्क्वायर प्लस 2 a + b² ये हमारा सूत्र है। अब कुछ करना नहीं है यहाँ लिखिए, इसलिए अब क्या करना है, हमें यही मान उठा करके रख देना है। यहाँ a की जगह पर क्या रख देंगे, 2x, a की जगह पर क्या रख देंगे, 2x, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 a, a की जगह पर क्या रख देंगे, 2x * b, b की जगह पर क्या रख देंगे, 5, प्लस b, तो b की जगह पर 5 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 2x के स्क्वायर का मतलब हुआ 2x * 2x, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 होगा और x का x में होगा तो x स्क्वायर, तो हो गया 4x² प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 आएगा और x को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। x का मल्टीप्लाई 20 में होगा तो 20x ही होगा प्लस, और 5 के स्क्वायर का मतलब हुआ 5 × 5 और 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर बी को ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा ए था, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर बी को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है 3x - 7 का होल स्क्वायर, तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, यहाँ लिख लीजिए माना या लेट कर लीजिए। लेट मीन्स मान लिया, क्या मान लिया, 3x = a और उसके बाद में 7 = b, ठीक है ना। सो अब कुछ करना नहीं है, यहाँ 3x के जगह पर हम a रख देंगे, -7 के जगह पर b रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो क्या होगा, अब ये मिल गया a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a² - 2 a * b और प्लस b². अब इस a के जगह पर क्या रख देंगे, 3x, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, -2 a के जगह पर क्या रखेंगे, 3x * b के जगह पर 7 रख देंगे, प्लस b के जगह पर क्या रख देंगे, 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो क्या है कि 3x के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3x के होल स्क्वायर का मतलब हुआ 3x * 3x और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 होगा, x का x में करेंगे x स्क्वायर, तो हो जाएगा 9x² माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 होगा, 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 42 हो जाएगा, x को ऐसे लिख देंगे प्लस, और 7 के होल स्क्वायर का मतलब हुआ 7 × 7 बराबर कितना हो जाएगा, 49। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कितना है, ये आसानी से हमें आपको इस सूत्र के द्वारा बताया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।